दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को नॉट आउट मानते हैं आज और बेहतरीन खिलाड़ी भी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अंपायर की गलती और बांग्लादेश की बेईमानी के चलते आउट हुए विराट कोहली, तो अब वो मैच के बाद बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। इनफैक्ट विराट कोहली ने बांग्लादेश की टीम की बेईमानी पर और अंपायर रिचर्ड पर बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिरकार दोस्तों विराट कोहली ने अपने आप को नॉट आउट बताते हुए, सबूत दिखाते हुए क्या कुछ कहा, आपको उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली आज दूसरे दिन के खेल के अंतिम लम्हों में वाकई में LBW आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए तो बहुत खिलाड़ी आते हैं, लेकिन जब विराट कोहली कदम रखते हैं तो पूरे मैदान में बैठे हर एक दर्शक, दोनों ही टीमों और अंपायर्स की सारी निगाहें केवल और केवल विराट कोहली के ऊपर होती हैं। लेकिन इतने तगड़े सर्वेलेंस में होने के बावजूद भी विराट कोहली के साथ कुछ ऐसा हो गया जो वाकई में दिल तोड़ देने वाला है। दरअसल दोस्तों विराट कोहली पहले सेशन में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी अश्विन के शतक के चलते हमने 376 रन बनाए। उसके जवाब में बुमराह के 4 विकेट देखने को मिले, जडेजा ने भी 2 विकेट निकाले, सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, इनफैक्ट आकाश दीप भी दोस्तों 2 बैक टू बैक विकेट निकाल कर गए। अल्टीमेटली हमने 149 पर इस टीम को रोक दिया था। अब जब बारी आई दोबारा दूसरे सेशन में बल्लेबाजी करने की, तब दोस्तों रोहित और जायसवाल कुछ नहीं कर पाए थे और गिल और विराट कोहली अच्छी पार्टनरशिप भी बना रहे थे। जहां गिल ने 4 चौके लगा दिए थे, तो विराट कोहली भी 17 रन बना चुके थे। लेकिन फिर एक ऐसा ओवर आया मेहदी हसन का कि दोस्तों सब कुछ चकनाचूर हो गया, सारे सपने विराट को लेकर बिखर गए। दरअसल दोस्तों पारी के 20वें ओवर की बात है, मेहदी हसन गेंदबाजी कर रहे थे और गेंद विराट के बल्ले पर लगने के बाद उनके पैड पर लगी थी। अब इसे विराट की बदकिस्मती कहिए या फिर वाकई में उनका इतना तगड़ा बैड लक कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन दोस्तों रिव्यू ना लेने के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र था बांग्लादेशी टीम का। अपील ही इतनी तगड़ी की गई थी और अंपायर ने कुछ ऐसे उंगली उठा दी थी कि दोस्तों विराट भी सोचने पर मजबूर हो गए कि रिव्यू लूँ या ना लूँ। अंततः गिल भी उनकी मदद नहीं कर पाए और बिना रिव्यू के विराट कोहली आउट तो दिए गए, लेकिन असल में वो नॉट आउट थे, जिस पर अब उनका गुस्सा तो फूटा ही है, साथ ही रोहित गंभीर भी नाराज है। दोस्तों मैच के बाद विराट ने अपने साथ हुई बेईमानी पर कहा, मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, जब अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं तो क्या वो केवल अपील देखकर ही इस बात का फैसला करेंगे कि खिलाड़ी आउट है या फिर नॉट आउट। इतने सीनियर अंपायर होने के बावजूद भी अगर आप इस तरीके से अंपायर्स कॉल देंगे तो शायद आपको अंपायरिंग का पाठ पढ़ना चाहिए। मैं इसी से दरख्वास्त करता हूं कि अगर नो बॉल को नो बॉल दिया जा सकता है तो इस तरीके से अंपायर कॉल को भी पलटा जाना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाज का नुकसान ही है इसमें। मैं रिव्यू ले सकता था लेकिन मैंने अपनी टीम के लिए रिव्यू बचाना चाहा, मेरी भी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेश की टीम की मिली साजिश है, क्योंकि वो मिलजुल कर ऐसी अपील बना रहे थे कि अंपायर को वो अपील अपीलिंग लग गई, उन्होंने तुरंत आउट दे दिया, वरना मैं शायद रिव्यू ले लेता अगर वो इतनी जल्दी आउट ना देते। खैर अंपायर को यही सलाह दूंगा कि अगली बार अच्छे से अपना काम कीजिए, इससे एक देश की टीम का बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों विराट का तो गुस्सा फूटा है, रोहित और गौतम गंभीर भी नाराज थे पवेलियन में और देश की जनता भी विराट के साथ है। वैसे आप सभी को क्या मानना है, विराट आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट में आपका फैसला बताइएगा। और शब्द दोस्तों नोट आउट थे विराट कोहली, लेकिन बांग्लादेश की बेईमानी और अंपायर की सरासर गलती के चलते विराट कोहली को अपने विकेट से हाथ धोना पड़ गया। रोहित शर्मा गौतम गंभीर भी भड़कते हुए नजर आए थे। आखिरकार कैसे अंपायर और बांग्लादेशी टीम की मिली भगत बेईमानी के चलते विराट ने अपने विकेट से ही हाथ धो दिया, इस चौंकाने वाले वाक्य का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट आउट थे या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ यूं तो पहले टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ शुरू से बना रखी है। पहले दिन में हमने अश्विन का ताबड़तोड़ शतक देखा, उसके बाद बुमराह की गेंदबाजी का शो भी देख लिया। दूसरे दिन में 4 विकेट उन्होंने निकाले, इसके अलावा रविंद्र जडेजा के नाम 2 विकेट रहे और दोस्तों सिराज का भी शो देखने को मिला। कुल मिलाकर आकाशदीप ने भी 2 विकेट निकाले और हमने 150 से कम रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया था। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जब भारतीय क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर हर किसी का खून खौल उठा। खास तौर पर रोहित और गंभीर तो इस बात से हैरान हो गए थे कि भला विराट कोहली के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की,
तो रोहित शर्मा इस बार भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित शर्मा 5 रन पर आउट हो गए तो जायसवाल 10 रन पर। ले देकर दोस्तों शुभमन गिल और विराट कोहली पर सारी निगाहें टिकी हुई थी। जहां शुभमन गिल 4 चौके लगा चुके थे तो विराट कोहली भी 2 चौके जड़कर 17 रन बना चुके थे। और विराट कोहली को जब आप खेलता हुआ देखते हैं तो केवल एक ही इच्छा मैदान में होती है कि ये बस कैसे भी करके शतक लगा दे। लेकिन शतक तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात, आज विराट कोहली अपने अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाए और ये सब कुछ हुआ बांग्लादेश और अंपायर की घटिया बेईमानी के चलते। दोस्तों पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। मेहदी हसन नाम के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे और विराट कोहली डटकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इस ओवर की दूसरी गेंद आती है, विराट कोहली तो तैयार खड़े थे लेकिन गेंद पल्ले का एज लेकर विराट कोहली के पैड पर लगी, जिसके बाद दोस्तों मेहदी हसन ने इतनी ताबड़तोड़ खतरनाक अपील करी कि अंपायर भी कंफ्यूज हो गए और लगता है कि अपना डिसीजन ही भूल गए। लेकिन अंपायर जो होते हैं उनको तो सतर्क रहकर अंपायरिंग करनी चाहिए, और ये तो रिचर्ड कैटलबर्ग थे जो कि दोस्तों विराट के सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हुए हैं कितनी बार मैदान में, और एक बार फिर से उन्होंने विराट के खिलाफ उंगली खड़ी कर दी। लेकिन विराट के पास ऑप्शन था कि वो रिव्यू ले लें, लेकिन दोस्तों अपील इतनी भयंकर थी और अंपायर का डिसीजन देखते हुए विराट को भी लगा कि रिव्यू लिया तो अंपायर कॉल हो सकता है। अभी पूरी टीम पड़ी है बल्लेबाजी के लिए, उनके लिए रिव्यू बचा कर रखता हूँ। उधर दोस्तों गिल ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया रिव्यू में, वो भी कंफ्यूज थे। अंततः दोस्तों विराट कोहली तो मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर जब दिखाया गया रीप्ले तो पता चला कि अल्ट्रा एज में गेंद विराट के बल्ले को छू कर गई थी और विराट तो नॉट आउट थे, लेकिन बांग्लादेशी टीम और अंपायर उन्हें आउट कराने पर तुले हुए थे। जिसके बाद दोस्तों विराट को तो आउट दिया गया, लेकिन रोहित और गंभीर का गुस्सा फूटा अंपायर की इस घटिया अंपायरिंग पर। दोस्तों पूरा देश हैरान है अंपायर और बांग्लादेशी टीम की इस हरकत पर। वैसे आपका क्या मानना है, विराट आउट थे या नॉट आउट, नीचे कमेंट कीजिएगा। बुम बुम बुमराह ने पहले ही ओवर में ठाया कहर, तो आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ कर मचाया ऐसा तांडव, देख सदमे में आ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो आखिरकार कैसे पहले ओवर में ही अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बुमराह बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज, कैसे बुमराह से भी 2 कदम आगे निकलते हुए आकाशदीप ने अकेले ही घमंडी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। इन दोनों की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर बांग्लादेश की बर्बादी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बड़े घमंड में हिंदुस्तान आई थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे, लेकिन रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज तो क्या, रविंद्र जडेजा और अश्विन के आगे ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की एक ना चली। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बना डाले, जहां अश्विन ने शानदार शतक जड़ा, तो फिर जब बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चैपाक के मैदान पर जलवा दिखाने का मौका मिला तो पहले ओवर क्या पहली गेंद से ही बांग्लादेश पर कहर बनकर जसप्रीत बुमराह टूट पड़े, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा जलजला लाया कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके सहम की और उनसे रहम की भीख मांगने लगा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को एक शानदार शुरुआत दिलवाने के लिए सादनाम इस्लाम के साथ जाकिर हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों बांग्लादेश की उम्मीद थी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को पहले ओवर में ही बुमराह ने अपने तूफान में हवा कर दिया। जब अपनी फूटी किस्मत लेकर सादनाम इस्लाम ट्रैक पर आए तब गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए बुमराह ने तो पहले गेंद से ही सादनाम इस्लाम के पसीने छुड़ा दिए थे। चौका छक्का मारना तो दूर, सिंगल लेना या फिर गेंद से बल्ले को टच करवाना भी सादनाम इस्लाम के लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरीके से ये खिलाड़ी अपनी जान बचाकर मैदान में टिकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपना शिकार कहां छोड़ते हैं। उनकी तो आदत है पहले ओवर में ही बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ फेंकने की, और भले ही हवाएं अपना रुख बदल लें लेकिन बुमराह अपनी आदतें कभी नहीं बदलते हैं। पहले 5 गेंद पर सादनाम इस्लाम बेहद लकी रहे कि उनका विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी गेंद पर बुमराह ने ठान लिया था कि इस बार तो पवेलियन का रास्ता दिखा ही देंगे, और ऐसा ही हुआ जब जसप्रीत बुमराह ने 155 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी लेजर गाइडेड बॉल फेंकी कि यह बल्लेबाज अपना बैट भी नीचे ला पाता, उससे पहले ही उनका विकेट आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वो चकनाचूर हो गया था। जब इस बल्लेबाज को पता चला तब तो उनका काम ही तमाम हो चुका था। बुमराह ने बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। यह केवल एक विकेट नहीं था बल्कि एक चुनौती थी बांग्लादेश को कि वो बुमराह के सामने 100 रन भी नहीं बना दे। तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए उनके साथी आकाशदीप ने तो केवल अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में बांग्लादेश की खटिया खड़ी कर दी। जी हाँ, 8 ओवर में बांग्लादेश ने 22 रन बना लिए थे, तभी
नौवां ओवर लेकर आते हैं आकाशदीप और अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने जाकिर हसन के डंडे उड़ाकर इस खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया और बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया। तो उनके आउट होते ही बैटिंग करने उतरे मोमिनुल हक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आकाशदीप ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की कमर तोड़ कर रख दी, जहां स्कोर कार्ड पर 9 ओवर में केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 3 बल्लेबाज भारत के सामने नतमस्तक हो चुके थे और पहले सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 2 से 3 दिनों में ये टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट कर